ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। ये नोटिस नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बार की जानकारी खुद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजेवाला ने दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे लोग इस नोटिस से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और सीना ठोक कर लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने ईडी को घेरते हुए बोला, इस पूरी साजिश के पीछे पीएम है और ईडी उनकी पालतू एजेंसी है। मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। ईडी का नोटिस नई कायराना हरकत है। देश के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में एसोसिएटेड जर्नल बनाया था। इसने 3 अखबार निकालने शुरू किए, हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में छपना शुरू हुआ था। उस समय कई स्वतंत्रता सेनानी इसे सपोर्ट कर रहे थे, वहीं इसके शेयर होल्डर भी थे। वे इसका इस्तेमाल आज़ादी की लड़ाई में कर रहे थे। आज़ादी मिलने के बाद भी अखबार चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे इसकी बिक्री कम होने लगी। दशकों के सफर के बाद साल 2008 आते आते एसोसिएटेड जर्नल ने फैसला किया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे। उस वक्त यह भी पता चला कि एसोसिएटेड जर्नल पर 90 करोड़ रुपयों का कर्ज भी चढ़ चुका है। कांग्रेस ने एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई। इसका नाम था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी में 76% शेयर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास थे। फिर कांग्रेस ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एसोसिएटेड जर्नल के 90 करोड़ रुपए के शेयर दे दिए। इससे यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को मुफ्त में एसोसिएटेड जर्नल की ओनरशिप मिल गई। साल 2012 में जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जनहित याचिका डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने धोखाधड़ी से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ दिल्ली के हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ पैसों का लेन देन नहीं कर सकती। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए स्वामी से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी थी। इस साल अप्रैल में भी कुछ कांग्रेस नेताओं से पूछताछ की गई थी। शुक्रिया।